भाजपा के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष को संगठन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज भाजपा कार्यालय अटल कुंज में मंडल विस्तारक एवं मंडल अध्यक्ष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं रीवा संभाग प्रभारी रणवीर सिंह रावत रहे। साथ ही संभाग के चारों जिले के जिलाध्यक्ष एवं जिले के प्रभारी उपस्थित रहे। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने पितृ पुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष को जन्माष्टमी 2021 से लेकर जन्माष्टमी 2022 तक संगठन पर्व के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में बूथ सशक्तिकरण एवं संगठन की सुदृढ़ीकरण के लिए भाजपा द्वारा बूथ विस्तारक योजना पर कार्य किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से आज बूथ विस्तारकों एवं मंडल विस्तारकों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला 4 सत्र में आयोजित की गई। प्रस्तुत है भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। देना है मतदान केंद्र के प्रभावी मतदाता। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा अपने पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष जन्माष्टमी 2021 से लेकर जन्माष्टमी 2022 तक संगठन पर्व के रूप में मना रही है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में बूथ सशक्तिकरण और संगठन के सुदृढ़ीकरण के लिए हम बूथ विस्तारक योजना पे कार्य करने जा रहे हैं। हमारे सभी मंडलों पे मंडल विस्तारक जाएंगे, बूथ विस्तारक जाएंगे और एक माह तक हम अपने बूथ से लेकर पेज पन्ना प्रमुख पन्ना समितियों तक का वेरिफिकेशन और निर्माण का कार्य होगा। उसी तारतम्य में रीवा संभाग के जो भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और जो मंडल विस्तारक एक माह तक कार्य करने वाले हैं, उनकी कार्यशाला का आयोजन आज किया गया है। उस कार्यशाला के माध्यम से हम उन मंडल अध्यक्ष और उन मंडल के हमारे जो विस्तारक हैं उनको प्रशिक्षित करने का कार्य करेंगे। इस हमारी कार्यशाला में आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के महामंत्री रीवा संभाग के प्रभारी आदरणीय रणवीर सिंह जी रावत का मार्गदर्शन मिला है। हमारे चारों जिले संभाग के चारों जिले के अध्यक्ष हैं, चारों जिले के हमारे जिला के प्रभारी आज यहाँ रहने वाले हैं। कितने बूथ हैं आप लोग के संभाग में? हमारे जैसे रीवा जिले में 26 मंडल हैं, 2013 बूथ हैं। इसी तरह सतना जिले में भी लगभग 2000 बूथ हैं और सीधी और सिंगरौली जिले में लाके भी लगभग 2000 बूथ हैं। तो हम पूरे संभाग के लगभग 6000 बूथों में और हमारे लगभग 84 जो संगठनात्मक मंडल हैं वहां तक हम नीचे तक जाकर कार्य करने वाले हैं। कितने दिवसीय कार्यशाला चलेगी? ये हमारी कार्यशाला एक दिन की है। आज 4 सत्रों के माध्यम से यह कार्यशाला शाम को 5:30 बजे सम्पन्न होगी।